नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दर्रे क्या हैं, दर्रों का मतलब क्या होता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रे कहा जाता है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो दर्रों का मतलब यह है कि दो पहाड़ियों के बीच की जगह जो नीचे दब गई है। दबने का कारण नदी भी हो सकती है कि नदी द्वारा कटाव से वो दब गई हो, और इसके कुछ और मुख्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुई या जमीन खिसक गई। तो इनके द्वारा भी दर्रों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक कुछ इस तरह से है, बुर्जिल पीर बना जोकर। बस आपको इतना सा बोलना है कि बुर्जिल पीर बना जोकर, तो आपको याद हो जाएगी कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखो, दर्रे इस तरह से हैं इनके। बुर्जिल से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, पीर से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, बना से बनिहाल दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, और कर से काराकोरम दर्रा। तो आपको बस ये पांच हिंट याद रखनी है। बुर्जिल पीर बना जोकर, तो आपको इससे जम्मू कश्मीर के दर्रे याद हो जाएंगे। हम बात करते हैं अब बनिहाल दर्रों की। यहाँ पर एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। सुरंग से एक सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो वो है पीर पंजाल सुरंग, जिसकी कुल लंबाई 11.2 किलोमीटर है, और ये एशिया में फोर्थ नंबर पर आती है, जो कि कांजीकुंड से बनिहाल तक है जम्मू कश्मीर के अंदर ही। अगर हम बात करें कि एशिया में प्रथम कौन है सुरंग में, तो वो है साइकेन सुरंग, जो कि जापान के अंदर है, जिसकी कुल लंबाई 53.85 किलोमीटर है। अब बात करें काराकोरम दर्रे की, तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई 5.6 किलोमीटर है। 5.6 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है, रोशिबा हिमाचल में रहती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस खुद से पूछना सवाल कि रोशिबा कहाँ रहती है हिमाचल में, या इस तरह से कह सकते हैं कि हिमाचल में कौन रहती है, रोशिबा। तो आपको ये याद रहेगा कि रोशिबा से हिमाचल की ट्रिक है। तो क्या है, रो से रोहतांग दर्रा, शी से शिपकल्ला दर्रा, और बा से बड़ा लाचा दर्रा। तो हिमाचल में कौन रहती है, रोशिबा। तो इससे आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद रहेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्रिक भी कुछ इसी तरह से है। उत्तराखंड में कौन रहती है, नीलिमा। हिमाचल में रोशिबा रहती है, तो उत्तराखंड में नीलिमा रहती है। नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, और मा से माना दर्रा। अब अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में आपको ऐसा रखना है कि आपको क्या है, सिक्किम पर नाज है। सिक्किम पर आपको क्या है, नाज है। तो ना से हो जाएगा नाथुदा दर्रा, और ज से जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम पर आपको क्या है, नाज है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक कुछ इस तरह से है, दिया पाँव अरुणाचल में। आपने अपना पाँव कहाँ दिया, अरुणाचल में। तो दिया पाँव से आपको इसको ध्यान रखना है, दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, या से यांग्याप दर्रा, पा से पांगसांड दर्रा, और वह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बोमडिला दर्रा होगा। कुछ और दर्रे हैं जैसे तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर के अंदर आता है। महाराष्ट्र के अंदर दो आते हैं, बोरघाट और थालघाट दर्रा। केरल में एक आता है पालघाट दर्रा। तो ये दक्षिण भारत के अंदर ये मुख्य तीन है, जिसको आप भोर थाल पाल के नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि घाट तीनों में कॉमन है। तो भोर थाल और पाल, इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। दो महाराष्ट्र में है और पाल केरल के अंदर है, पालघाट। अब इन दर्रों से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करते हैं। पहला बिंदु, बनिहाल दर्रा। ये जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग से गुजरता है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। अगला, जोजीला दर्रा। इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है, ये श्रीनगर लेह मार्ग को जोड़ता है। अगला था काराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी कुल ऊंचाई 5,624 मीटर है। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। रोहतांग दर्रा, यहाँ से रावी और व्यास नदी निकलती है। शिपकला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है, ये शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। चीन के साथ व्यापार मार्ग नाथुला दर्रा द्वारा होता है। चीन जाने का मार्ग,
यांग्याप दर्रा, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी प्रवेश जो होता है जेलेपला दर्रा से होता है। म्यांमार के साथ व्यापार तुजू से। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो दर्रों से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।